फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और कर रहे हैं ट्राई दीज पेज नंबर 145 पर। ये ट्राई दीज है। इसमें क्या है? इसमें है, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जो पहले जो ट्राइडीज था उसके अंदर हमने सीखा था कि एक टर्म है उसको अंदर बायनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है, और यहाँ पर हम समझेंगे कि एक मोनोमियल है उसको अंदर के ट्राइनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कंफ्यूज्ड मत होइए, ये बिल्कुल वैसे ही है। इसको 3p बाद में लिख रखे हैं, इसको हम 3p पहले भी लिख सकते हैं, बात एक ही रहती है। 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, बात तो एक ही होनी है, ठीक है? तो कोई घबराने की बात नहीं है, बाद में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी करके कर सकते हो। 4p² मल्टीप्लाई, अब 4p² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4p² के बाद 5p, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 3p, ठीक है? तो क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3, 12p³, पावर 2 है, ये पावर 1 है तो जुड़ जाएगी। फिर नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 3, 15, पावर 1 है, जुड़ जाएगी, पावर 2 हो गई। 7 मल्टीप्लाई 3, 21 है p, तो ये आंसर आया। अब अगर आप इसको ऐसे करते तब भी आंसर यही आता। 3p को पहले आप 4p से मल्टीप्लाई कीजिए, 4p² से, फिर 3p को आप 5p से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर 3p को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि इसमें 3p राइट हैंड साइड में आ गया हर मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर जो 3p है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और आंसर यही आना है। 12p³, 15p², 21p आंसर। दिस वन इज ऑल्सो एन आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइडीज के साथ, जो कि है पेज नंबर 149 पर। ओके, बाय।